तो स्वागत है आपका एक बार फिर लव हर आर पर्पस पे। पिछले सेशन में हमने अध्याय 14 देखा था, जो सेक्शन 190 से लेके 199 तक था। अब हम आज अध्याय 15 देखने वाले हैं, मजिस्ट्रेट से परिवाद, जो सेक्शन 200 से लेके सेक्शन 203 तक है। परिवादी की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। तो जो परिवाद करता है वो परिवादी, तो इसका हम क्लॉज देखते हैं। परिवादी पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, परिवादी की ओर यदि कोई साक्षी उपस्थित हैं तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसा परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा। मतलब जो परिवादी है यदि परिवाद कर रहा है तो अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस परिवादी की साक्षी उपस्थित है तो साक्षी की और दोनों की उनकी शपथ पर परीक्षा ले लेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश भी लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा। परिवादी द्वारा, साक्षी द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा, तीनों द्वारा वो हस्ताक्षरित किया जाएगा। ठीक है, वहीं उसने परंतु भी दे रखा है, जब परिवाद लिखकर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक ना होगा। और जो परिवाद किया गया है, कंप्लेंट की गई है, यदि वो लिखित में है तो फिर उसका साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। वहीं का है, यदि परिवाद अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है, ठीक है, वो भी परिवाद भी किसने किया है, यदि परिवाद किया है पदी कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले लोक सेवक द्वारा किया गया है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, या न्यायालय द्वारा किया गया है, किसी न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। ख, यदि मजिस्ट्रेट जाँच या विचारण के लिए मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है। वहीं यदि कोई मजिस्ट्रेट है जांच और विचारण के लिए मामले को 192 के अंतर्गत हवाले किया है तो उन दोनों कंडीशन में जो परिवाद हुआ है वो परिवाद की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। परंतु उन्होंने लिखा, या और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। वहाँ एक और प्रोविज़ो डाल दिया उन्होंने कि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षी परीक्षा करने के पश्चात, और पहले परीक्षा कर ली उन्हें परिवादी की और मजिस्ट्रेट, और उसकी परीक्षा करने के बाद, परिवादी और साक्षी परीक्षा करने के बाद सेक्शन 192 के अंतर्गत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को मामला हवाले कर दिया है तो वहाँ भी फिर से परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन हमने देख ली, यदि परिवाद आया है तो परिवाद करने वाले और साक्षी की परीक्षा लेगा, हस्ताक्षरित करेंगे, और यदि कहीं वो परिवाद पदी कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले लोक सेवक द्वारा किया गया है, न्यायालय द्वारा किया गया है, तो वहाँ परीक्षा नहीं होगी, और सेक्शन 192 के अंतर्गत हवाले किया गया अन्य मजिस्ट्रेट को तो वहाँ भी परीक्षा नहीं होगी। तो इन दोनों कंडीशन में नहीं होगी। और वहाँ जो लास्ट में परिणतुक दिया है वो परिणतुक कहता है कि परीक्षा करने के पश्चात 192 के अंतर्गत अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले को भेज दिया गया है तब भी परीक्षा नहीं होगी, तो फिर से परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेक्शन 200 कहता है परिवादी की परीक्षा। अब सेक्शन 201 है जिसके बारे में हम देखेंगे, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा मतलब ऐसा मजिस्ट्रेट है जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके लिए देखते हैं। यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है तो ए, यदि परिवाद लिखित है तो वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस भाव के पृष्ठांकन सहित लौटा देगा। बी, यदि परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। मतलब जो मजिस्ट्रेट उस मामले को
कि जिसको परिवार उसके समक्ष हुआ है उसका संज्ञान लेने के सक्षम नहीं है, तो वो क्या करेगा, ए यदि परिवार लिखित में है तो वो उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस भाव के पृष्ठांकन से मतलब उस पर पृष्ठांकन कर देगा कि वो सक्षम नहीं है और उसको अन्य अन्य न्यायालय को सुपुर्द कर देना चाहिए, लौटा देगा। और वहाँ बी यदि वो परिवार लिखित में नहीं है तो परिवादी को उच्च न्यायालय में जाने की का निर्देश देगा। दो कंडीशन में, लिखित में है तो पृष्ठांकन सहित और लिखित में नहीं है तो परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। नाउ सेक्शन 202 आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। क्लॉज वन है, यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है ठीक समझता है, तो और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारता का प्रयोग करता है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेश का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है और यह निश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है। परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहाँ नहीं दिया जाएगा, ए जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा शीर्ष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अन्यथा बी जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की यदि कोई हो धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है, और दूसरा क्लॉज है उपधारा 1 के अधीन किसी जाँच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, परंतु दिया है यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनंता शीर्ष न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। क्लॉज 3 है यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियाँ होंगी। तो हमने 202 का डेफिनेशन क्लॉज देखा, अब इसको हम समझते हैं। क्लॉज वन वो कह रहे हैं कि यदि मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है, या तो ऐसा अपराध उसके समक्ष आया है जिसका संज्ञान करने के लिए वह सक्षम है या सेक्शन 192 के अंतर्गत उसके पास हवाले किया गया है, और यदि वह ठीक समझता है तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेश जारी करना मुलतवी कर सकता है। कब, यदि उसको ऐसा लगता है कि मामले में जहां अभियुक्त को ऐसे स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारता का प्रयोग करता है, मतलब उसकी अधिकारताओं से परे क्षेत्र में वो अभियुक्त निवास करता है तो वो उसको मुलतवी कर सकता है, या अभियुक्त के विरुद्ध आदेश जारी करने को मुलतवी कर सकता है और यह निश्चित करने के प्रयोजन से वो निश्चित करेगा कार्रवाई करके उसको कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, पर्याप्त आधार हैं या तो नहीं, उसके लिए वो जांच करा सकता है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण के लिए निर्देशित कर सकता है। वहीं उनने कहा वहाँ उसमें परंतु भी दे दिया है, यदि अन्वेषण के लिए वो दे रहे हैं तो अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहाँ नहीं दिया जाएगा, उसमें आगे और लिख दिया निर्देश देता है तो फिर अपन आगे चलते हैं। यदि निर्देश नहीं देता है, निर्देश ना देने का कारण क्या है, ए है जहाँ मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनंता शीर्ष न्यायालय मतलब वो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी नहीं है, उसको शीर्ष न्यायालय द्वारा विचारणी है तो वहाँ पे वो अन्वेषण के लिए नहीं देगा। बी जहाँ परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की यदि कोई हो धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है, वहीं वो कह रहे हैं वहाँ परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया, परिवाद न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है और परिवाद जब न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है तो वहाँ पर परिवादी और साक्षियों की शपथ पर परीक्षा नहीं हुई है तो वहाँ पे भी वो अन्वेषण के लिए निर्देश नहीं देगा। और क्लॉज 2 कह रहा है उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों को शपथ पर ले सकता है, और वहीं यदि उपधारा 1 के अंतर्गत किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो उनको उनकी साक्षियों की शपथ परीक्षा ले सकता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनंता शीर्ष न्यायालय द्वारा विचारणी है तो वह परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर अपेक्षा करेगा, मतलब वो जहाँ लगता है कि अनंता शीर्ष न्यायालय द्वारा विचारणी है तो वो क्या करेगा परिवादी से अपने सब साक्षियों को पेश करने और उनकी शपथ पर अपेक्षा कर लेगा, उसके बाद वो अनंता न्यायालय वो शीर्ष न्यायालय के समक्ष भेज देगा।
वहीं क्लॉज थ्री कह के उन्हें और स्पष्ट कर दिया है कि उपधारा एक के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया कराया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है। मामले पहले उन्होंने कहा था ना कि पुलिस अधिकारी से या किसी अन्य व्यक्ति से अन्वेषण करा सकता है मजिस्ट्रेट, तो किसी अन्य व्यक्ति से मजिस्ट्रेट अन्वेषण करा रहे हैं तो उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी की बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा सारी शक्तियाँ होंगी जो अन्वेषण के लिए आवश्यक हैं। बाहर जो पुलिस थाने बहादुर अधिकारी को इस संहिता के द्वारा दी गई सब शक्तियाँ उस व्यक्ति में नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ आए उसको छोड़ दिया जाएगा कि वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, बिना वारंट गिरफ्तार वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि आदेश का जारी किए जाने को मुलतवी भी कर सकता है, मतलब अन्वेषण करने के लिए कोई निर्देश नहीं देगा। दो कंडीशन हैं, जैसे अनंतता शेषन न्यायालय द्वारा विचारणी है और वहीं दूसरा है परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, तब परिवादी की उपस्थिति या साक्षियों की यदि कोई हो तो धारा 200 के अधीन शपथ परीक्षा नहीं कर ली जाती है, मतलब परीक्षा नहीं कर ली गई है तो भी वो उनको आगे निर्देश नहीं देगा अन्वेषण के लिए। वहाँ उपधारा 2 के अंतर्गत उन्होंने कहा है यदि किसी जाँच में मजिस्ट्रेट की समझता है तो साक्षियों पर शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। मैं उन्हें लिखा है परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामला अनंत शेषन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वो परिवादी और वशिष्ठ साक्षियों की साक्ष्य परीक्षा लेगा। वहीं क्लॉज 3 भी उन्हें डिफाइन कर दिया है कि जिस व्यक्ति को जो पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति है जिसको अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट ने नियुक्त किया है तो उस व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाध अधिकारी की सारी शक्तियाँ होंगी सिवाय बिना वारंट के गिरफ्तार करने की। तो ये सेक्शन 202 था। नाउ सेक्शन 203 परिवाद का खारिज किया जाना। यदि परिवादी और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर यदि कोई हो और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के यदि कोई हो परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अवलिखित करेगा। वहाँ उन्हें सेक्शन 203 में डिफाइन कर दिया कि परिवाद को खारिज भी किया जा सकता है। कब कराएंगे? तो उन्होंने कहा परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर कथन हो यदि कोई हो, मतलब परिवादी और साक्षियों कथन लिए, ठीक है, धारा 202 के अधीन जांच और अन्वेषण यदि कोई कराई गई है तो उनके परिणामों पर जो उनके जो उसके द्वारा जो परिणाम निकले विचारण कराने के और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद मजिस्ट्रेट की राय में लगता है कि मामला कार्रवाई चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, मामले में दम नहीं है, आधार नहीं है पर्याप्त के इस मामले को चलाया जाए तो मामले को वो उस परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसा करने के लिए अच्छा परिवाद को खारिज करेगा तो फिर ऐसे मामले जब परिवाद खारिज किया तो उसके कारण भी लिखेगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा करने का कारण भी वो वहाँ पे संक्षेप में अभिलिखित करेंगे कि उन्होंने परिवाद को क्यों खारिज किया है। तो ये सेक्शन 203 हो गया। दोस्तों हमने देखा सेक्शन 200 से सेक्शन 203 मजिस्ट्रेटों के समक्ष परिवाद। अगले सेशन में हम देखेंगे अध्याय 16 जो होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना, कैसे मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ होगी, वो होगा सेक्शन 204 से लेके सेक्शन 210 तक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अध्याय के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना में सेक्शन 204 से सेक्शन 210 तक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस से बचते रहें और मन लगा के घर पर रहें और अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।